नमस्कार, क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2 - 2/3। 2 - 2/3 को हमको सॉल्व करने का है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मैंने आपको पहले दे दिया है, इंट्रोडक्शन आप जरूर देख लीजिएगा तो चैप्टर समझने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। पहला है 2 - 2/3, तो इक्वल टू कितना होगा, 2/1। पीछे क्लास 6 में आपने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया हुआ है, तो इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, 2/1 - 3/5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे में 1 नहीं है यहाँ पे, लेकिन यदि कोई अंक डायरेक्ट, यदि जैसे 5 डायरेक्ट यदि अंक है तो उसको बाय 1 लिखना में कोई गलती नहीं, क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो बाय 1 किसी में भी लिख सकते हैं, चाहे वो माइनस इंटीजर हो, चाहे प्लस इंटीजर हो, चाहे जो भी हो, उसमें 1 लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो 2/1 - 3/5। अब क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर के जितने भी डिनोमिनेटर हैं उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, जैसे 2 और 10 है, 2 और 10 है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 ही, और 5 1 जा 5, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 वैल्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह से यदि हमको किसी भी नंबर का यदि एलसीएम निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसका निकालना है, 1 और 5 का निकालना है, ठीक है। तो 1 और 5 में 1 से यदि आप करेंगे तो 1 और 5, 1 से करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से होता ही नहीं है, 5 से कर लीजिए, एक ही अंक है, 5 5 1 जा 5, ठीक है। वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 1 और 5, 1 से किसी का भी आप एलसीएम निकालेंगे तो किसी के साथ भी निकालेंगे तो जो भी अंक रहेगा वही अंक आएगा, दूसरा कोई अंक नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ 5 ही हो गया। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज क्या होगा, 5 ही होगा। 1 के साथ किसी का भी एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर है वही नंबर आएगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज 5, तो क्या होगा, देयरफोर 2/1 - 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 और 5 का एलसीएम था हमारा 5, ठीक है। तो 5 से ही 2/1 into, ठीक है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो पहला फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन के लिए अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो पहले पहला फ्रैक्शन देखते हैं, तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो ये एलसीएम आया, यानी पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को, एलसीएम के वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 1 से 5 को 5 टाइम्स ही होगा, ठीक है, 5 टाइम्स ही होगा। और जो कोसेंट आया, ठीक है, जो डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आया, कोसेंट कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो जो कोसेंट आया उससे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का भी और नीचे का भी, ये इसका रूल है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर से एलसीएम के वैल्यू को डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे ही माइनस यहां पे लिख लीजिए, ठीक है, दोनों साइड में, ऊपर नीचे दोनों जगह में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू है उसको वापस आप लिख दीजिए, 3/5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब दूसरे के लिए हम ले रहे हैं डिनोमिनेटर से एलसीएम के वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 1 जा 5 होगा, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 हुआ, ठीक है, 1 आया।
तो वन आया आपका कोसेंट, इस कोसेंट से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी वन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब वैल्यू कितना आया वो लिखिए, 2 5 10 सीधा मल्टीप्लाई हो गया, 1 5 5 ठीक है, माइनस 3 1 3 बाय 5 1 5। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको डिनोमिनेटर हमेशा बराबर वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू बराबर होगा तभी हम माइनस प्लस लेस देन ग्रेटर देन जो भी वैल्यू है जिस भी तरह का हमको देखना है, निकालना है, सॉल्व करना है, बताना है, रिप्रेजेंट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तभी हम इजीली हम इसको बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 जो है अकेला 5 रह जाता है और ऊपर के दोनों के दोनों जो न्यूमरेटर के दोनों है 10 और 3 बीच में जो भी चिन्ह है उस चिन्ह के साथ में साइन के साथ में उसको ऊपर में ले लेते हैं, तो 10 - 3 हो गया, 5 नीचे में हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, 7/5। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया, 7/5। ठीक है, तो 7/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप चाहें तो 7/5 को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मिक्स्ड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोसेंट को रखते हैं, कोसेंट ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या रखते हैं, रिमाइंडर को रखते हैं ऊपर में और नीचे में क्या रखते हैं, डिविजर को, 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, जो भी आपको आंसर लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन नंबर कंप्लीट हो गया, वन का पहले का पहला। ठीक है।